सो गाइस आज बिल्कुल नई वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसमें आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक्समैन नाम की एक मूवी को, जो एक्समैन फ्रेंचाइजी की पहली मूवी है और ये अच्छी और आपको देखनी चाहिए। लेकिन आज मैं इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और आपको ये वीडियो भी देखनी चाहिए मेरी। और शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं इस मूवी को, तो ये मूवी ज़्यादा अच्छी, तो शुरू करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में कैसे हम लोग देखते पॉलिट में 1944 के सीन को, जहाँ पे हम लोग एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम होता है एरिक, जो एक म्यूटेंट होता है और उसके पास कुछ पावर्स होती है, जैसे कि उसके पास मैग्नेट की पावर्स होती है, वो किसी भी चीज़ को मतलब आकर्षित कर सकता था और ये पावर्स यूज़ करता है। तभी सब दुनिया को पता चल जाता है कि उनके बीच म्यूटेंट्स भी रहते हैं। हम लोग यहाँ देखते हैं दूसरी तरफ रूप नाम की एक लड़की को, जो बॉयफ्रेंड के साथ होती है लेकिन उसे किस करती है तो उसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो जाती है, जैसे उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है और बहुत ज़्यादा शर्म हो जाती है कि किसी की मौत हो गई है, उसके कारण अपने पेरेंट्स से भी अच्छे से बात नहीं कर रही होती है। वही भी हम लोग देखते हैं US में, जहाँ पे हम एक कैली को देखते हैं जो कि अब म्यूटेंट्स के खिलाफ एक बिल पास करवाना चाहता था कि सारे म्यूटेंट्स को रजिस्टर कराना जरूरी है कि वो कौन है, कहाँ से है और उनका क्या अस्तित्व है, और ये बिल वो पास करवाना चाहता था। उसके खिलाफ एक जीन के नाम की एक के खिलाफ उसके बोलती है, जो खुद एक म्यूटेंट होती है, लेकिन यहाँ पर जो स्वेटर क्ली होता है छात्र होता है जिनके यहाँ बोलती है कि म्यूटेंट्स को भी जीने का अधिकार है, वो भी इंसान ही है। फिर वो स्वेटर क्ली होता है, वो बोलता है कि एक मतलब म्यूटेंट है जो किसी भी दीवार के आर पार जा सकती है, किसी किसके दीवार के आर पार चले जाए, क्या पता किसी बैंक के, किसी स्कूल के, फिर किसी के घर के दीवार के आर पार, तो हमें इस जरूर पास करवाना चाहिए। और वो बहुत सारे ठोस सबूत के साथ ये बिल की US गवर्नमेंट को सबूत दे ही देता है, हमें अपने जीन के लिए भी कुछ नहीं बोलती है। वही हम देखते हैं इस कहानी के दो मेन करेक्टर्स को, जो और कोई नहीं होते हैं बल्कि मैंग होता है मैग्नेटो और साथ चार्ल्स जीवियर, या फिर बोले तो प्रोफेसर एक्स। लेकिन उन्होंने मेरे पहले जो दोस्त ना करते, लेकिन अलग अलग माइंड सेट के कारण इनकी दोस्ती नहीं रही। यहाँ पे अब मैग्नेटो चाहता था कि इंसान बल्कि इंसान का अब जीने का मतलब इंसान भी म्यूटेंट बन जाए, फिर तो मैग्नेटो मतलब जो प्रोफेसर एक्स थे वो चाहते थे कि इंसान और म्यूटेंट एक साथ भी रह सकते हैं, और लोगों ने दोस्त नहीं थे। वही हम लोग देखते हैं कनाडा एक जगह मतलब फाइटिंग वाले मैच में, जहाँ पे हम लोग देखते हैं वुल्वरीन को, तो लड़ रहा होता है एक और आदमी से और वो उसे आराम से हरा देता है, क्योंकि वो भी एक ताकतवर म्यूटेंट होता है, इसलिए वो उसे आराम से हरा देता है। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो रूप होती है उसे देख चाहती है कि वो भी एक म्यूटेंट है। वहीं पर जो वहाँ का आदमी होता है उसे समझ आ जाता है कि वुल्वरीन एक म्यूटेंट है, और वुल्वरीन को जाके बोलता है कि तुमने ठीक नहीं किया, तुमने चीटिंग की कि तुम एक म्यूटेंट हो इसलिए तुमने सभी को हरा दिया, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। हमें उसको तो ये देख वुल्वरीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वह मतलब कि इन लोगों को शांत बोलता है, लेकिन जैसे वुल्वरीन अपने क्रॉप्स पर कि उन्हें डराता है लेकिन किसी को मारता नहीं है। रूप भी समझ जाती कि उसके अलावा भी बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं इस दुनिया में, इसलिए वो वुल्वरीन के साथ पीछा करने लगती है वुल्वरीन का, और वुल्वरीन जिस कार से जा रहा होता है उसी बैठ जाती है, लेकिन वुल्वरीन से जान देता है कि वो कोई है जिसका पीछा कर देता है। यहाँ पर दो म्यूटेंट एक म्यूटेंट हमला कर देता है जिससे वुल्वरीन डरने लगता है कि वुल्वरीन को भी वो म्यूटेंट हटा देता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है और दो म्यूटेंट्स की, जो वहाँ आके वुल्वरीन और रूप को यहाँ पे बचाने आए थे, वो तो म्यूटेंट्स आ जाते हैं और फिर अब म्यूटेंट्स और उस खिलाफ शुरू हो जाते हैं लड़ाई, जहाँ पे वो म्यूटेंट्स मिलकर वुल्वरीन और रॉक को उस म्यूटेंट से छुड़वा कर अपने साथ में अपने चार्ल्स जीवर के स्कूल जीवियर्स ये आते हैं, जहाँ पे म्यूटेंट्स रहते थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब वहाँ पे मुलाकात होती है चार्ल्स जीवियर और वुल्वरीन की, जो वो दोनों वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे वुल्वरीन पूछता है कौन सी जगह है कहाँ पे, और मुझे क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। वहाँ पे जो दोनों म्यूटेंट्स आते हैं, जिन दोनों ने
बचाई थी जान वुल्वरीन और रूप की। अब वुल्वरीन को पता चलता है कि कुछ गुंडे उसके मतलब कुछ म्यूटेंट उसके पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए उसे उससे यहाँ से बचाया है। वहीं पर जो वुल्वरीन के शरीर की जांच शुरू हो जाती है, फिर वो पता वुल्वरीन के शरीर की जांच कर रही है। वो डॉक्टर वुल्वरीन के क्रॉप्स के बारे में सभी को बताती है, उसके पास एडमेंटियम के क्रॉप्स है, उन्हें वुल्वरीन के बारे में भी समझा देती है कि उनकी क्या बॉडी और क्या उसका सारा रिजल्ट जो आया है सब कुछ उसे उन लोगों को। हम लोग देखिए स्नेटर कैली को अपने खाने के पीछे जा रहा होता है और उसके साथ और होता है एक और आदमी रहता है, लेकिन वो एक आदमी नहीं बल्कि मिस्टीक नाम के म्यूटेंट होती है जो उसके पास शेप शिफ्टिंग की पावर थी। स्नेटर को बेहोश करके उसे लेकर चली जाती है अपने खूबिया अड्डे की तरफ। तो अड्डा में हम उसे मैग्नेटो को देखते हैं जहाँ पे अब स्नेटर कैली को भी लोग अब एक नया म्यूटेंट बनाने वाले थे कि उसने म्यूटेंट के खिलाफ एक बिल पास करने की कोशिश की थी। लेकिन मैग्नेटो अब एक मशीन में जाता है और उस मशीन को स्टार्ट कर देता है, इससे उसके अंदर से बहुत ताकतवर की रेज निकलना शुरू कर देती है। फिर उस मशीन में पावर डालता है तो रेजेज अब मतलब जो वो आदमी है स्नेटर कैली चल जाती है। वही जैसे मेरी रूपाई होती है जैसे टच कि अब मेरी सारी और सारी खत्म होने लगती है और उसकी खराब होने लगती है और उसकी पावर्स भी क्योंकि वो इतना मिलती है दूसरे मीटर से पावर ले सकती थी और दूसरे मीटर को कमज़ोर कर सकती थी। लेकिन तो अब वुल्वरीन की पावर भी कमी होती है लेकिन उससे मतलब से मत नहीं छूटी है और जिस कारण वुल्वरीन बहुत डर जाती है उसके आगे वुल्वरीन की भी जान चली जाती है। हम देखते हैं जो वुल्वरीन से फिर से बात कर रहा और उसे बस कुछ बता रहा होता है और उससे बातें कर रहा होता है। वही भी सीन को शिफ्ट हो रहे सीम शिफ्ट और हम लोग देखते हैं जो जेल में बंद होता है, पता नहीं उसकी बॉडी को क्या हो गया था, वो भी एक म्यूटेंट ही बदल गया था और अब वो आर पार हो सकता था किसी भी चीज़ के। जब वो बाहर आता है मतलब उस जेल से वो पूरी तरह शिलंगा होता है और उसकी बॉडी अच्छी तरह काम नहीं करती है। हम अपने मिस्टेक को जो अब उस म्यूटेंट का रूप बना लेते हैं जिसने चाहा था, वो जाकर रूप को बोलती है कि अब जाओ तुम्हारे कारण वुल्वरीन की जान बच सकती थी और तुम इस स्कूल के लिए खतरा हो, तो मेरे ख्याल से तुम्हें इस जगह को छोड़ देना चाहिए, तुम्हें इस जगह से चले जाना चाहिए, जिसकी वजह से रूप को भी लगता है कि वो सभी खतरा है, इसलिए वो भी यहाँ से निकलने का फैसला करती है। फिर तो हम देखते हैं कि अब जो स्नेहा रूप होती है वो अब उन सबको छोड़ के जाती है जहाँ सीवियर स्कूल को। वही हम देखते हैं सीवियर को जो बोरिंग नहीं कर रहा होता है और वहीं पर हम लोग मिल के वहाँ पर एक और म्यूटेंट को देखते हैं। हम म्यूटेंट पर अटैक कर रहा होगा जिसने बाजार में थी रूप और वुल्वरीन की। वही हम लोग क्या देखते हैं कीटो को जो तबाही मचा रहा होता है हर तरफ और हर तरफ तबाही मचा के अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देख के ये सब डर जाते हैं। वहीं पे अब हम लोग देखते हैं कि वुल्वरीन और बाकी टीम को जो अब यहाँ पर जो मतलब कि मैग्नेटो था उसने रूप को अपने कब्जे में करके रखा था क्योंकि उसका प्लान था न्यूयॉर्क सिटी को मतलब म्यूटेंट्स बनाने का, जिसके लिए उसे बहुत सारी पावर चाहिए थी और रूप के अंदर एक थी और वुल्वरीन को इस प्लान के बारे में पता चल जाता है और वुल्वरीन वहीं पर फंसा होता है लेकिन वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से वो भाग जाता है। अगर जो भी वहाँ पर रूप फंसी होती है अभी भी मैग्नेटो के आगे में क्योंकि अब मैग्नेटो उससे बड़ा काम कराने वाला था। वही तो एक्समैन की पूरी टीम को देख जो मैग्नेटो से लड़ रहे होते हैं वो उसे हरा रहे होते हैं, लेकिन ये सब पूरी तरह से नहीं कर पा रहे थे क्योंकि म्यूटेंट्स भी बहुत खतरनाक थे और यहाँ पर फाइट हो रही होती है एक दूसरे के बीच में। लोग देखते हैं कि नॉट नाम की और यहाँ पर हम लोग एक और सीन शिफ्ट होता है। लोग देखते हैं वो वुल्वरीन को जो
साथ होता है और उसे दुख रहा होता है, लेकिन भाई सीम ही समझ लिया है मुझे तो यहाँ पे देखते हैं कि गाइस कि यहाँ पे अब मैग्नेटो पकड़ा गया था और अब मैग्नेटो चेस खेल रहे थे प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो अब होता है जेल में और इसी के साथ ही मूवी जाती है और मैग्नेटो प्रोफेसर एक्स से करते हैं और फिर बोलते हैं कि मैग्नेटो के इंसान के साथ रह सकते हैं और ऐसा बोल के वो यहाँ से चले जाते हैं और फिर हम लोग को ये मूवी आप समझ आए के लिए और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कि नहीं तो आप बता सकते हो और हमें ऐसा सब्सक्राइब कीजिए मार्वल मूवीज की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग।